आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए वर्ल्ड कप 2023 के 37वें मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 243 रनों से मात दी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ भारतीय टीम ने अपने वर्ल्ड कप 2023 के 8 के 8 मुकाबले जीत लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने जहाँ बोर्ड पर 326 रन बनाए, वहीं बटे बॉय विराट कोहली का यहाँ पर शतक दर्ज था। उसमें श्रेयस अय्यर के 77 रन शामिल थे, रोहित शर्मा के 40 रन की धमाकेदार पारी शामिल थी और वहीं 327 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही उतरी साउथ अफ्रीका की टीम। उनका तो गेंद पर बल्ला लगाना मुश्किल हो रहा था और इसकी वजह थी रविंद्र जाडेजा के 5 विकेट, वह मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव के 2-2 विकेट, जसप्रीत बुमराह मोहम्मद सिराज की शानदार गेंदबाजी और साथ ही साथ जिस तरह से हमारी फील्डिंग देखने को मिली उसमें साउथ अफ्रीका की टीम मात्र 83 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और उन्होंने अपने वर्ल्ड कप की कैंपेन में इस पूरे वर्ल्ड कप के इतिहास में अपना सबसे कम स्कोर भी हासिल किया। और भारतीय टीम ने जिस तरह से 243 रन से यह मुकाबला जीता, भारतीय टीम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और अब तो इस टीम में पूरा विश्वास है, पूरा जोश है कि भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप को जरूर अपने घर ही लाएगी।